बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं सुबह सुबह निकली हूँ नाश्ते के लिए और ये है शहर गुजरांवाला और मैं आज गुजरांवाला की दो मशहूर जगहों पे आपको लेके जाऊँगी जिनके नाश्ते बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं और मैं आपको बताऊँगी कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो लेट्स गो। जी व्यूअर्स, तो सबसे पहले हम जो ब्रेकफास्ट के लिए रुके वो है हाजी अब्दुल गनी अमृतसरी सिरे पाए वाले और ये बहुत ही मशहूर हैं गुजरांवाला के। तो कोविड की वजह से जो है इन्होंने रेस्टोरेंट की सीटिंग बंद की हुई थी और ये सर्विंग कर रहे थे रूफ टॉप पे। तो चलिए चलते हैं, आपको रूफ टॉप भी दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, अब रूफ टॉप पर हम आ चुके हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए इन्होंने ऊपर सारी सिटिंग अरेंज की हुई है। जी व्यूअर्स, अब हम जा रहे हैं हलवा पूड़ी खाने के लिए और ये भी गुजरांवाला की बड़ी फेमस जो है प्लेस है। तो चलिए चलते हैं और ये जीटी रोड पे नहीं है, ये ज़रा अंदर करके है। तो जब भी आप गुजरांवाला विज़िट करें तो ये मॉडल टाउन जो है वो उस साइड पे आती है। तो चलिए चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी व्यूअर्स, हलवा पूड़ी का टेस्ट तो बहुत ज़बरदस्त है और काफ़ी अच्छी फैमिली सेटिंग है, आप इधर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इसकी जो स्पेशलिटी है वो है खोए वाला मीठा पूड़ा और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी है। ब्रेकफास्ट के बाद हमने जो है इसकी बेकरी को भी विज़िट किया, बहुत ज़बरदस्त है और हर सेक्शन इन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। इसकी जो है स्पेशलिटी में जो मिठाई इसकी है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो जब भी आप गुजरांवाला आएँ तो ज़रूर सुलेमान स्वीट्स को विज़िट कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी।
आपको ये नाश्ता व्लॉग कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।